शहर से बहुत दूर एक जगह थी जहाँ पर तेज़ बारिश हो रही थी। प्रियंका अपने घर में बैठी हुई कंप्यूटर पे स्कूल का होमवर्क कर रही थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि इसका होमवर्क ख़त्म होने वाला था। प्रियंका इस वक्त घर में अकेली थी। उसके माँ बाप किसी काम से शहर गए हुए थे। प्रियंका अपने घर में अक्सर अकेली रहती थी क्योंकि उसके माँ बाप को शहर जाना पड़ जाता था। प्रियंका ने सोचा था कि जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाए तो वो सोने के लिए चली जाएगी। प्रियंका के घर के पास आसपास कोई घर नहीं था और कोई नहीं रहता था। प्रियंका को बारिश की और बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी। प्रियंका का एक दोस्त था जिसका नाम सलमान था, जो कि रात को पढ़ रहा था। पे पढ़ते पढ़ते बोर हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना प्रियंका को फ़ोन कर लिया जाए। प्रियंका का कमरा ऊपर वाले हिस्से में था, जबकि नीचे वाले हिस्से में अभी कोई भी नहीं था। आज की रात बहुत खतरनाक थी। प्रियंका के साथ बहुत बुरा होने जा रहा था। प्रियंका का मोबाइल फोन बिस्तर पर पड़ा हुआ था। सलमान ने जब उसको कॉल की तो वो फोन जोर जोर से बजने लगा। प्रियंका ने सोचा कि रात के 1 बजे इसको कौन इस वक्त कॉल कर रहा है। हेलो प्रियंका, कैसी हो? मैं सलमान बात कर रहा हूँ। तुम सो तो नहीं रही थी? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? प्रियंका बोली, सलमान कैसे हो सलमान? नहीं, तुमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, मैं तो काम कर रही थी। सलमान ने पूछा, इस वक्त कौन सा काम हो रहा है? प्रियंका ने कहा, अरे यार बस एक असाइनमेंट रह गया था, बस वही बना रही थी। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो रात को इस वक्त? सलमान ने कहा, कल मेरा पेपर है ना, बस उसी की तैयारी कर रहा था। प्रियंका बोली, अच्छा ये बताओ तुम्हारी तरफ बारिश हो रही है? सलमान बोला, नहीं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रही बारिश वगैरह। प्रियंका बोली, अच्छा यहाँ पे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बिजली भी चमक रही है और मुझे तो अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही हैं, जैसे कोई भूत वगैरह घूम रहा हो। तुम्हें तो पता है मैं कितनी बहादुर हूँ, डरती तो हूँ नहीं मैं। प्रियंका बोली, एक सेकेंड में ज़रा खिड़की से बाहर देख लूँ, क्या पता कोई सच्ची में आ गया हो। प्रियंका ने हर तरफ देखा इधर उधर, मगर उसको कोई नज़र नहीं आया। मगर प्रियंका आज रात अकेली नहीं थी, कोई और भी था उसके घर के पास। सलमान ने कहा, एक तो तुम्हारा घर दूर है और वहाँ पर आसपास कोई और घर भी नहीं, मुझे तो कंफर्म लगता है वहाँ पे कोई भूत है। प्रियंका बोली, अरे सलमान यहाँ पर वाकई कोई आ गया है। सलमान बोला, क्यों मजाक कर रही हो प्रियंका? प्रियंका बोली, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, यहाँ पर कोई है जो कि बुलडोज़र के साथ खड़ा हुआ है। प्रियंका ये देख करके डर गई थी। प्रियंका बोली, मुझे लगता है ये हमारा बुलडोज़र चुराने आया है, ये कोई चोर है। सलमान ने बोला, फ़ौरन से जाकर के अपने पापा को बताओ, वो निमट लेंगे इससे। प्रियंका ने कहा, तुम्हें पता नहीं मैं घर में अकेली हूँ, कोई भी नहीं है घर पे, कुछ करो सलमान मुझे डर लग रहा है। सलमान ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, तुम बस शोर मचाओ तो ये चोर भाग जाएगा। प्रियंका ने कहा, अच्छा मैं ट्राई करती हूँ, शायद भाग जाए। प्रियंका ने हिम्मत करके शोर मचाया और बोली, ए चोर भागो यहाँ से, ये हमारा घर है, ये हमारा बुलडोजर चुराने का सोचना भी मत। हमारे घर में 5 गुंडे हैं, समझ आई? अगर मैंने उनको कह दिया ना तो तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, चलो भागो यहाँ से फौरन। सलमान ने पूछा, क्या हुआ प्रियंका, क्या वो भागा? मैं पुलिस को बुलाऊं क्या? प्रियंका ने बोला, नहीं वो तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। फिर उस शख्स को जैसे अचानक कोई एहसास हो गया हो कि कोई उसको खिड़की से देख रहा हो, फिर उसने आहिस्ते आहिस्ते गर्दन घुमाई और पीछे पलट करके देखा। प्रियंका ने कहा, ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, इसका चेहरा मुझे सही से दिख नहीं रहा। सलमान बोला, क्या मतलब सही से नहीं दिख रहा, कौन है ये? ये था सिलेंडर मैन, जो कि एक शैतानी मखलूक थी और उसने अब प्रियंका को देख लिया था और उसकी तरफ इशारा कर रहा था। प्रियंका बोली, अरे ये तो मुझे इंसान ही नहीं लग रहा, ये तो कोई और मखलूक है, ये तो मेरी तरफ इशारा कर रहा है, इसने मुझे देख लिया है, ये मुझसे डर नहीं रहा बल्कि मेरी तरफ ही आ रहा है। सलमान ने कहा, क्या मतलब तुम्हें इंसान नहीं लग रहा, कौन है ये, क्या चीज़ है? सिलेंडर मैन आहिस्ता आहिस्ता प्रियंका के घर की तरफ आना शुरू हो गया। उसका कद बहुत लंबा था, जिसकी वजह से वो फौरन ही प्रियंका के घर के बहुत करीब आ गया। प्रियंका ने कहा, सलमान जल्दी कुछ करो, ये तो मेरे घर के अंदर ही घुसना चाह रहा है, मुझे डर लग रहा है सलमान, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मैं अकेली हूँ, ये मेरे साथ क्या करेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सलमान ने कहा, तुम घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो।
प्रियंका ने बोला, अच्छा मैं जाती हूँ। वो फौरन से नीचे की तरफ भागी ताकि घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर सके। वो भाग करके सीढ़ी से नीचे आई, मगर नीचे आकर के वो तो परेशान हो गई। प्रियंका के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने बहुत देर कर दी। सिलेंडर मैन उसके घर के अंदर खड़ा हुआ था और इधर उधर देख रहा था। प्रियंका फौरन से दबे पांव पीछे हट गई। प्रियंका भाग करके वापस अपने कमरे में आ गई, फिर इधर उधर देखने लगी। उसको छुपने की कोई जगह चाहिए थी। उसने सोचा बिस्तर के नीचे, मगर फिर उसने कहा कि मैं अलमारी के अंदर ही छुप जाती हूँ, शायद मैं बच जाऊँ यहाँ। सिलेंडर मैन अब सीढ़ियों से ऊपर आने का सोच रहा था। वो ऊपर आने लगा। सलमान ने प्रियंका से पूछा, कहाँ हो प्रियंका, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? तुम कहाँ हो, क्या हो रहा है तुम्हारे घर में, मुझे बताओ, जल्दी बताओ। प्रियंका ने बोला, सलमान मैं बात नहीं कर सकती, मैं अलमारी में छुपी हुई हूँ, मैं अलमारी के अंदर हूँ, वो कमरे में आ गया है। सिलेंडर मैन कमरे में आ चुका था और इधर उधर देख रहा था। उसके आने से कमरे में एक धुआं सा हो गया था। प्रियंका अपनी सांस रोक करके अलमारी में खड़ी हुई थी और उसको देख रही थी। फिर अचानक उसने अपने मुंह से बहुत शोर निकालना शुरू कर दिया। उस शोर से ऐसा लग रहा था कि वो पता चलाने की कोशिश कर रहा है कि वो प्रियंका कहाँ छुपी हुई है। फिर उसको पता चल गया, वो अलमारी की तरफ आने लगा। प्रियंका बोली, इसके शोर से मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, ये बहुत शोर कर रहा है, मैं पकड़ी गई, सलमान सलमान जल्दी करो, कुछ करो। और फिर सिलेंडर मैन की गर्दन लंबी हो गई और उसने अपना सर अलमारी के अंदर डाल दिया। प्रियंका कह रही थी, सलमान उसने मुझे ढूंढ लिया, सलमान अब मैं गई, तुम मुझे बचाओ सलमान। सिलेंडर मैन बोला, हेलो प्रियंका। सलमान को बहुत डर लग रहा था, उसने फ़ोन टेबल पर रख दिया था और उसको प्रियंका की चीखने की आवाज़ आ रही थी। सलमान ने पूछा, क्या हुआ प्रियंका, क्या हो रहा है? फिर उसी वक्त फ़ोन में से सिलेंडर मैन का हाथ निकल आया और सलमान सलमान अब गया। सलमान की शामत आ गई और सिलेंडर मैन अब सलमान के कमरे में था। सलमान कह रहा था, मुझे जाने दो, क्या किया तुमने प्रियंका के साथ? और फिर सिलेंडर मैन ने उसका काम तमाम कर दिया।